कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक ओर जहां जिला प्रशासन कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर और सख्ती बरतेगा, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसे लेकर उपायुक्त रांची छवि रंजन ने जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्चुअल बैठक में सभी कोषांगों के वरीय प्रभारी, सिविल सर्जन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंसिडेंट कमांडर, MOICA एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी जुड़े। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 जांच की समीक्षा करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो वो किसी भी हाल में ट्रेसलेस नहीं होना चाहिए। उपायुक्त ने जिले में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की प्रतिदिन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कितने मरीज किस जगह से मिले इसकी जानकारी रिपोर्ट में दे। अभी हम लोग की जो इन्फोर्समेंट टीम बनी हुई है जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स कराती है, उसके माध्यम से अब थोड़ा सा इसको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है और आज से ये इन्फोर्समेंट टीम जो है जगह जगह जाएंगी और सभी जितने भी प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और उन सभी को चेकिंग की जाएगी और सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है कि नहीं, कस्टमर्स मास्क पहन के आ रहे हैं तभी उनको एंट्री दिया जाए। शॉप के जो भी उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, ओनर्स हैं, जो भी लोग उस समय मौजूद रहते हैं, उनसे भी ये अपील रहेगी कि आप लोग कृपया करके कोविड के जो SOPs हैं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको फॉलो करें, अन्यथा बाध्य होकर हम लोगों को DM Act के अंतर्गत और CRPC के धाराओं के अंतर्गत नियम संगत कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से सभी रांची वासियों को और प्रतिष्ठानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, सैनिटाइज करते रहना हाथ को, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी, इसका पालन करें, अन्यथा बाध्य होकर प्रशासन जो है अब उस पर नियम संगत कार्रवाई करेगी। वहीं 22 और 23 अक्टूबर को कोविड मरीजों के जो आंकड़े सामने आए थे उससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ था और लोग तीसरी लहर के आने की आशंका जता रहे थे, जिसका खंडन करते हुए रांची के सिविल सर्जन विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि 27 कोरोना संक्रमित रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। उनका RT-PCR टेस्ट पुनः कराया गया और वह सभी मरीज निगेटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसकी संभावना अभी नहीं है, लोगों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन सभी को सावधानी बरतनी है और कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना है। 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो हटिया स्टेशन का और रांची स्टेशन पर जो लोगों की जाँच हुई उसमें पॉजिटिव केसेस बहुत निकलना जो हुआ, उसके बारे में लोगों को दहशत हो गया रांची शहर में। एक बार फिर जो रांची शहर है कोरोना तीसरी लहर की चपेट में आने वाली है, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जो भी जांच हुआ वो 27 आदमियों का जांच हुआ, उसमें 27 जो रेड पॉजिटिव निकले, जो रैपिड किट से जो टेस्ट होता है, और उसका हमने फिर सबका कंफर्मेशन कराया तो सब RT-PCR सारे निगेटिव है, और वो 27 आदमी में से दो लेडी थी रांची की, एक कतारी बगान की और एक रातू रोड की, और बाकी सारे लोग जो थे किसी अन्य जिले के थे या दूसरे स्टेट के थे। फिर 23 तारीख को जो जांच हुआ जिसमें 40 लोगों की जांच की गई, उसमें भी सिर्फ 11 आदमी रांची के थे और बाकी सारे कुछ डाल्टेनगंज के, कुछ रामगढ़ के, कुछ बोकारो के, कुछ पलामू के ऐसे लोग थे, तो उनमें भी सारा का रेड पॉजिटिव निकला और सबको मैंने RT-PCR जाँच फिर से कराया। RT-PCR की जांच के लिए सुविधा मेरे सदर अस्पताल में ही एक मुहिम है उसका, जिससे की जाती है और उसकी पूरी ये है कि वो सही जांच उसमें होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन लोगों को गाइडलाइन का पालन तो हर हाल में करना होगा। और सभी जितने भी प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शमी और संध्या की रिपोर्ट। संवाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा CT स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन ला...